So in the last class, what we did was average velocity, average speed, right? And we solve one or two question also. So now I'll, you know, start something different. Like we talk about an velocity की बात करते हैं. Let's talk about velocity. क्या होता है velocity भाई? एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो आई विल राइट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजिशन माइनस अपना इनिशियल पोजीशन, राइट, अपॉन टाइम. सो सपोज इफ आई आस्क यू, सपोज दिस इज माय पॉइंट ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 2, -3 एंड दिस पॉइंट इज सपोज 4, 6 एंड दिस इज द लाइन आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी. सो व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? Okay, so I will write displacement as AB vector, where A is my starting point, B is my end point. So in this thing, what will be my displacement formula? बताया था मैंने, क्या होता है? Final position minus, हाँ भाई, क्या होता है अपना displacement? Final position minus initial position. अगर मुझे point A के coordinate दिए हुए हैं, तो what is my initial position r a? it will become 2i cap -3 j cap, right? final position is r b, that is 4i cap + 6 j cap. I think I told you how to convert these coordinate into position vector, right? Ananya, अरे भाई बताया था. हाँ तो हाँ ना कुछ बोलो. ठीक है, तो बताओ यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो आर टू, 4i cap - 2i cap, तो क्या बन जाएगा? 2i cap एंड 6i cap -3, क्या बन जाएगा? 9j cap. सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, फाइन. हाँ भाई, यस सर. सर श्रीवास्तव सर ने बोला था कि एक सैंपल पेपर डालेंगे पार्ट टेस्ट में, कुछ है क्या? हाँ, गौरव श्रीवास्तव सर ने बोला था कि सैंपल पेपर डालेंगे पार्ट टेस्ट का. हाँ तो वो डाल देंगे गौरव सर. नहीं डाला. ठीक है, कभी करेंगे. हाँ तो एक बार रिमाइंड करवा देना सर को, सर डाल देंगे. ओके, तो चलो थोड़ा सा एक बात करता हूँ. अभी हमने एक चीज देखी हुई है. इफ आई टॉक अबाउट सपोज ए पॉइंट इज मूविंग विद 60 m/s. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? हमको क्या दिया हुआ है? ए पॉइंट इज मूविंग विद 60 m/s. ये क्या है 60 m/s? Velocity नहीं है, this is speed. अगर velocity होता तो मुझे इसका direction है given होता ना बेटा, because that direction is not given. So this is speed. So I will comment. This is speed because only magnitude is here, right? Okay. अब मैं इसमें स्पेसिफाई करूंगा अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 4, 6.
Now I will get the direction. So now see, find. अगर मैं तुमसे simply ये पूछा, find velocity vector. So now we have to find out a velocity vector. So how do we find vector? किसी भी vector को हम कैसे find करते हैं? एक तो उसके अंदर क्या होता है? Magnitude. और उसके साथ में क्या होता है? Direction. कोई भी वेक्टर के अंदर. तो मुझे बताओ कि इन द गिवन क्वेश्चन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इज द नंबर. सो नंबर इज 60. और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन. तो जो यहां पे लिखा हुआ है ना, डायरेक्शन, इट्स मीन आई हैव टू पुट द यूनिट वेक्टर. अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है. हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल कौन सी लाइन के अलोंग जा रहा है. इस लाइन के अलोंग. दिस पॉइंट इज 1.2, दिस पॉइंट इज 4.6. तो आई नीड टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग दिस साइड. इसके अलोंग मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, जिसको मैंने बोल दिया एन कैप. तो बताओ किसी भी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते. यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. तो बताओ ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा. तो पहले तो इसको निकालते हैं, वेक्टर निकालते हैं ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो 4 - 1 3i कैप 6 - 2 4j कैप, राइट. बट दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर. आई नीड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, जिसको मैंने बोला है एन कैप. तो क्या बन जाएगा? कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, राइट. तो इस जो वेक्टर इज 3i कैप + 4j कैप. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर? √3 का स्क्वायर + √4 का स्क्वायर. नहीं, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का होल रूट. सो इट विल बिकम 5 9 + 16 25, एंड द रूट ऑफ 25 is 5. So my unit vector is 3i cap + 4j cap upon 5. So this is my magnitude and this is 3i cap + 4j cap upon 5. So this is my velocity vector. थोड़ा simplify कर दो तो कितना बन जाएगा? I cap 48 j cap. If you will calculate the magnitude of this vector, it will comes out to be 60. So I have converted this speed into velocity vector. So how do we convert? First we need magnitude and then we need what? Direction. Okay, अब मुझे एक ऐसा क्वेश्चन करके बताओ तुम लोग. समझ में आ गया? You got it? Everything? Yes, sir. Note down करना है? Sir. हाँ. Sir, वो अपने n cap is the unit vector along the vector ab vector. उसने बोला ना कि it is moving along the line joining this point. So पहले मैंने इन दोनों point को जोड़ दिया, ये वाला point A and point B, और मुझे इस line के along जाना है ना. उसने बोला है कि इस line के along जा रहा है. तो I need a unit vector along this line. तो किसी भी लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. सो फर्स्ट आई कैलकुलेट द वेक्टर ए बी. माय वेक्टर केम आउट टू बी 3i cap + 4j cap. देन आई डिवाइडेड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. इट्स मैग्नीट्यूड इज 5. सो आई डिवाइडेड द वेक्टर बाय 5. ओके, हो गया. चलो अब मुझे एक, सब लोग मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे. ए पॉइंट स्टार्टेड फ्रॉम 3.4, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है. मूविंग विद वेलोसिटी 3i cap + 6j cap, ठीक है. फाइंड पोजिशन ऑफ
point after 4 seconds. Okay, बताओ क्या आएगा आंसर. सॉल्व एवरीवन. एंड डू नॉट आंसर, आई विल आस्क वन बाई वन. जिससे पूछूंगा बस वही बताना. सर हो गया. ओके वेट, किसका हो गया? ये कौन है, राइडर कौन है, राइडर प्रोवाइडर कौन है? क्या दृश्या, टेल मी द आंसर. क्या? हाँ बेटा एक सेकेंड ना. 7.8. 7.8. ओके आरुषि. -9.-23. ओके प्रणव. नाइन कॉमा एटीन. ओके 18 फाइन. श्रेया. 9.15. वाई कोऑर्डिनेट सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? हर्षिका. प्राची. सर मेरे को नहीं आ रहा है, समझा दो ना. ओके देखो ये हमको क्या दिया हुआ, इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है ना. द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम 3.4, सो 3.4 माई इनिशियल पोजीशन. This is my velocity. I have to find the position after 4 seconds. So first we find out a displacement. ठीक है? Displacement. देखो यहाँ पे तुमने मुझे formula बताया था कि velocity का मतलब क्या होता है, displacement upon time. तो यहाँ से displacement क्या बन जाएगा, velocity into time.
राइट तो हमने लिखा वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, हमारा वेलोसिटी है 3i cap + 6j cap × 4, तो क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट 12i cap + 24j cap। हाँ भाई सही है एवरीवन? हाँ सर समझा, थैंक यू। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे मैंने बताया था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है ना, तो फाइनल पोजीशन हमको नहीं पता तो मैंने लिखा फाइनल पोजीशन माइनस उसका इनिशियल पोजीशन क्या है 3i cap + 4j cap। ये देखो ना इनिशियल पोजीशन ये है, स्टार्टेड फ्रॉम हेयर दिस इज माई इनिशियल पोजिशन, सो मेरा जो फाइनल पोजिशन है वो क्या बन जाएगा, इसको यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i cap + 4j cap + 12i cap + 24j cap, तो कितना बन जाएगा 15i cap + 27j cap। बताओ किस किस का आया ये आंसर, तो मेरे को लगता नहीं किसी ने बोला था मुझे। सर मेरा आया सर, सर मेरा भी आया। ओके अब जो बाकी लोग जिन जिन ने मुझे आंसर बोले थे बताओ तुमने कहां मिस्टेक किया? एडिशन की जगह सबट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह। यार बेटा हाँ ठीक है, तो वी हैव टू यू नो कनेक्ट all these point ki displacement kya hota hai final position minus initial position and displacement is velocity into time also and if I want to know the final position then what will I do, first I will get the velocity vector, I will multiply it by time, then I will get the displacement and if I add my initial position to displacement then I will get the final position. See yahan pe tum dekhoge na to humko kahan gaya, if I write something like this that r final minus r initial, ye kya hota hai final position minus initial position, this is my displacement. So if I want to calculate final position to wo kya ban jayega, apna initial position plus displacement. Okay ha bhai cool. Yes, अब मुझे हाँ हाँ बोलो कौन बोल रहा था? ओके ना हाँ नाउ ऑल ऑफ यू टेल मी वन क्वेश्चन, कहाँ गया कहाँ गया, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, सब लोग मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ। बहुत टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में। सबके पास इसका पीडीएफ है बुकलेट वाला? यस सर। ओके यस सर। इसका वेक्टर वाला जो अपना बुकलेट है उसमें लेक्चर 7 जो है उसका क्वेश्चन नंबर मुझे करके बताओ 7 8 9
तीनों क्वेश्चन करके बताओ. सर कौन सा क्वेश्चन? 7, 8, 9 लेक्चर 7. लेक्चर 7 का इन क्लास एग्जांपल आइस. हाँ आइस. हाँ ये देखो ये यहाँ पे है. ठीक है ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो इसके अंदर लेक्चर 7, 8, 9. ओके अभी करो 10 मिनट्स का टाइम है.
हाँ भाई आंसर आया किसी का? फर्स्ट सेकंड? हाँ सर मेरा आया। हाँ सर मेरा आया। क्या आया सर? सेवन टू ब्रैकेट सेवन आई कैप प्लस 24 जे कैप टू। हाँ ओके और 49 cap plus 48 j cap। ठीक है तो देखो let's start with question one। क्या बोला है तुमको? स्पीड गिवन है और ये क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन गिवन है, राइट? है ना? तो यहाँ पे इफ यू विल डू यू कैन डू वन थिंग, जैसे कि इफ आई वांट टू राइट हियर ओनली ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज माई डायरेक्शन, सो स्पीड, सो इफ आई वॉन्ट टू राइट वेलोसिटी वैक्टर विल बिकम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके मैग्नीट्यूड इज वॉट 50। नाउ आई हैव टू पुट द यूनिट वैक्टर, यूनिट वैक्टर इज vector upon magnitude and vector will become from A to B, so 2 9, so it will become 7 I cap 1 kitna 25 to kitna ban jayega 24 J cap। ab iske magnitude se I have to divide, so the magnitude will become 24 aur 7 ka magnitude kya ban jayega 25 so 25 so it will become 14 I cap plus 48 J cap। यह है सबका? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, yes sir. So this is my question yes, number sir. 8. It is 7. So 7. Okay. 7. तो गायब हो गया। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल बिगन्स फ्रॉम 212, सो पार्टिकल स्टार्टेड, सो क्वेश्चन नंबर 8, सो पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया है? 212। ओके एंड पार्टिकल स्टार्ट बिगन्स टू मूव फ्रॉम दिस टुवर्ड्स 1 - 2 2 1 - 2 2 यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है? एंड स्पीड कितना दिया हुआ है? 5। स्पीड इज 5, ठीक है 5। उसने बोला है कि फाइंड फाइनल पोजीशन आफ्टर टी इक्वल टू 10 सेकेंड। बताओ कैसे किया? सबसे पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना है? 5। अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 1, ये तो माइनस आई कैप, माइनस 2 ये दिस, तो माइनस 3 J cap 2 2 कितना बन जाएगा? 0 K cap। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? -2 है। कहाँ पे? A वाला इनिशियल पोजीशन पे वो -2 आएगा, यहाँ पे 2, 1, -2 2, 1, -2 ओके 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 तो 2, 1, -2 ओके सो माय फाइनल पोजीशन विल बिकम -4 के कैप ना, फाइनल माइनस नहीं, फाइनल माइनस नहीं, तो +4 के कैप, राइट? ओके इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया? √1 + 9 + 16 ठीक है 26। हाँ कुछ कैंसिल, रूट कितना हो गया ये 25 26 26 से मैं क्या करूंगा?
2, 1 minus 2, 1 minus 2, 2, 1 minus 2. ये तो बड़ा वियर्ड सा आंसर आएगा फिर. तो कोई नहीं, चलो आने तो वियर्ड सा आंसर. तो दिस विल बिकम ओके. तो ये बन जाएगा 5/√26 -i cap -3j cap + 4k cap. Now I will find out and displacement. And displacement क्या होता है? Final position minus अपना initial position क्या है? ये है ना initial position. तो initial position है 2i cap + j cap - 2k cap. Okay. और इसका value क्या आएगा? Displacement. And displacement क्या होता है? Velocity into time. So √26 -i cap - 3j cap + 4k cap. ये तो velocity into कितना time दिया है? 10 सेकेंड. तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा फाइनल पोजीशन. कर लोगे ना आप तो? Yes. हाँ, तो इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी गंदी है ना. रूट कैसे 26 आ गया. तो नंबर्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि आंसर हमारा थोड़ा अच्छा सा आ जाए देखने में. ओके, फाइनल क्वेश्चन इज द गुड वन. आई लाइक दैट क्वेश्चन. किस किसका आंसर आया फाइनल क्वेश्चन? सर चालू भी नहीं किया था. चालू भी नहीं किया था फाइनल क्वेश्चन? क्यों? कौन सा क्वेश्चन? अरे जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9. देखो क्वेश्चन 9 में तुमको बता देता हूँ कैसे करना है. अभी नहीं. ओके, क्वेश्चन 9 में बोला है कि देयर इज अ मोटर बोट. मोटर बोट है, ठीक है. स्टार्ट्स फ्रॉम, उसके तुमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -3i cap + -4j cap. ओके, ये जो भी हमारे डिस्टेंसेस हैं वो सपोज तुमको अपने किलोमीटर में दिए हुए हैं. एंड मूव्स, इसका तुमको स्पीड दिया हुआ है. स्पीड दिया हुआ है √50 km/h. ये हमको दिया हुआ है मोटर बोट के बारे में, ठीक है. ओके, एंड देयर इज अ शिप. शिप जो है इसका इनिशियल तुमको अपने वो दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर. शिप इज एट 3i cap - j cap एंड वेलोसिटी जो इसका है दैट इज 3i cap + 4j cap. सर मेरे को पूछना था वो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है सर? पोजीशन वेक्टर मतलब उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट वो है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. जैसे कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे बैठा है, इसके कोऑर्डिनेट 3, 4, तो इसका अपना पोजीशन का वेक्टर क्या बन जाएगा? ये होगा ना 3i cap + 4j cap. तो पार्टिकल को मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ ओरिजिन पे. हाँ सर, ओके, ठीक है. इसमें हमको ये दिया हुआ है फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन. इफ अकर, अगर उनके बीच में कोलिजन हो रहा है तो बताओ कोलिजन कब होगा. सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है, वो यहां जा रहा है इस पाथ के लॉन्ग. एक पार्टिकल यहाँ पे है, वो सपोज यहां जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा ना कोलिजन. तो इसको सपोज मैंने बोल दिया बोट, इसको सपोज हमने बोल दिया शिप. तो इफ दे आर कोलाइडिंग, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एन कोलाइडिंग? कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? कोलिजन मतलब सर एक पॉइंट में मिल जाए. कोलिजन का मतलब होता है एट ए गिवन टाइम. ओके, एट ए टाइम
both object have same x and y coordinate, right? भाई इसी का मतलब हुआ ना कोलिजन, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों के सेम होने चाहिए एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं है कि एक का एक बजे हो रहा है, एक का दो बजे हो रहा है, ठीक है? सेम टाइम पे होना चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर्स, दिस शिप एंड बोट, एंड विल से ओके नाउ माय कोलिजन इज अकरे. तो ओके टेल मी, सो लेट्स स्टार्ट विद शिप. तो पहले हम बात करते हैं शिप के. शिप का हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये है और ये है उसका इनिशियल पोजीशन. तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ शिप क्या होंगे बताओ? एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमको पता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना. ओके हमको हमको निकालना है फाइनल पोजीशन माइनस इसका इनिशियल पोजीशन कितना दिया हुआ है, थ्री आई कैप माइनस जे कैप इक्वल टू इसका वेलोसिटी कितना है, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप इंटू टी. तो आर फाइनल क्या हो जाएगा, थ्री टी प्लस थ्री I cap, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 4t माइनस 1 j cap. स्क्रॉल अप करूं? हाँ स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप. ओके चलो एक बार के लिए ऐसे कर देता हूँ ताकि तुमको एक बार में दिख जाए पूरा. अभी दिख रहा है? यस. ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, ये है हमारे पास में फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, बोट नहीं शिप. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बोट. सो लेट्स टॉक अबाउट बोट. बोट बोट उसका इनिशियल पोजीशन कितना है, तो जैसे हमको दे दिया उसका इनिशियल, उसका आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू उसका वेलोसिटी इनटू टाइम. उसका आर जो फाइनल आएगा उसका इनिशियल क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप. ठीक है, उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है तुमको पता है? नहीं ना, वो तो स्पीड है. हाँ तो हमको नहीं पता, तो हमने अज्यूम कर लिया कि उसका जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है और इनटू कितना टाइम हो गया, टी. फाइन, अगर उसका वेलोसिटी वेक्टर, इफ हमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और हमको गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ बोट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रूट 50, तो बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा. लिख सकते हैं ना रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 50. क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50. ठीक है, हाउ आर एवरीवन. अब मुझे बताओ फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगा इसका, फाइनल पोजीशन यहाँ से आर फाइनल, तो ये बन जाएगा एक्स टी. ठीक है, ये यहाँ पे जाके बन जाएगा माइनस थ्री आई कैप. ठीक है, एंड ये बन जाएगा प्लस वाई टी एंड माइनस फोर जे कैप. ये हमारे पास में है फाइनल पोजीशन ऑफ बोट. अब बताओ इफ दे आर कोलाइडिंग, इफ they are colliding, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके x coordinate भी same होने चाहिए, उनका y coordinate भी same होना चाहिए. तो पहले हमने x coordinate को same कर दिया, तो अगर x coordinate को same करूंगा तो क्या बन जाएगा, उसका x coordinate कितना है, 3t plus 3, इसका x coordinate कितना है, xt minus 3.
ये है ना, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से x का वैल्यू बन जाएगा 3t + 6/t, ये आ गया। जब उनका y कोऑर्डिनेट सेम करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 4t - 1, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है yt - 4, तो यहाँ से अपना y का वैल्यू क्या बन जाएगा 4t + 3/t। फाइन, अब देखो तुम्हारे पास x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, ये तो दोनों इक्वेशंस हैं, इसको इसके अंदर पुट कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ, x2, सो 3t + 6/t इसका स्क्वायर प्लस 4t + 3/t इसका स्क्वायर इक्वल टू 50। क्वाड्रेटिक आता है सॉल्व करना? हाँ भाई, yes, तो मुझे बताओ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में t का वैल्यू क्या आएगा, यहां से सॉल्व करके अपना t का वैल्यू आएगा, t का वैल्यू अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमारे पास में xy कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि कौन से पॉइंट पे कोलिजन हुआ। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट इफ यू विल गो बाय प्रोसीजर दैट एवरी स्टेप इज यू कैन से इन कंटिन्यूशन, वी नो दैट कोलिजन का मतलब होता है एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर पोजिशन वैक्टर शुड बी सेम, सो अवर पर्पज इज टू गेट द फाइनल पोजिशन वैक्टर। फाइनल पोजिशन वैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल अपना वेक्टर प्लस अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, ऑल द प्रोसीजर। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर, द होल क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सर आपने वो वेलोसिटी ऑफ बोट को √50 क्यों लिया, क्योंकि दिया हुआ है ना मुझे क्वेश्चन में, देखो ना उसका स्पीड दिया हुआ है √50 km/h, तो उसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा √50 है ना। हाँ सर, फिर हम लोग वो xi cap plus yj cap क्यों लिए सर? हाँ वो तो अज्यूम कर लिया ना मैंने, क्योंकि मतलब वेक्टर फॉर्म में हमको नहीं पता था ना कितना है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि xi cap plus yj cap ये हमारे पास वेलोसिटी है ना वेक्टर फॉर्म में, नहीं पता इसके लिए। हाँ तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ भाई, किसी ने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक? यस सर। क्या आया? 3 देखो ये बनेगा 90 square + 36 + 236 t + 16 t square + 9 + 24 t = 50 t square, तो कितना बन जाएगा 19, 25, तो 25
टी स्क्वायर 36 और 24 कितना होता है 46 टी तो माइनस 60 टी एंड 36 एंड 9 दिस इज 45 माइनस 45 इक्वल टू जीरो तो थोड़ा सिंपलीफाई करें तो 5 टी स्क्वायर माइनस 12 टी 9 इक्वल टू जीरो ठीक है तो कितना टाइम आएगा 3 और माइनस 3 बाय 5 तो हमको एक ही आंसर लेना है ना पॉजिटिव आंसर लेना है हमको तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू कितना 3 कॉमा माइनस 3 बाय 5 अरे बस एक ही आंसर चाहिए ना पॉजिटिव आंसर ही तो हो सकता है ना नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है तो 3 सेकंड ठीक है तो जो भी आएगा t इक्वल टू 3 इसका मतलब क्या हुआ द कोलिजन विल अकर आफ्टर 3 आवर्स ओके एंड फाइनल कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा भाई हमारा जो कोलिजन कहां पे होगा तो अपने t का वैल्यू यहां पे डाल दो तो हम बोलेंगे कोलिजन विल अकर एट उसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 9 प्लस 3 12 और y कोऑर्डिनेट 12 माइनस 1 11 ये यहाँ पे होगा कोलिजन ठीक है सर कैसे मिला 12 कॉमा 11 क्या बोल रहे बेटा हेलो हाँ क्या बोल रहे हो कैसे मिला 12 कॉमा 11 बेटा ये तो वैल्यू आया ना टी का वैल्यू आया यस ये इस टी के वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया देखो यहाँ पे इसके अंदर अच्छा तो हमारे पास में आ गया ना फाइनल कोऑर्डिनेट जब टी का वैल्यू 3 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 12 और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 11 समझा हमारे पास जो फाइनल कोऑर्डिनेट जो आएगा वो हमारे पास में ये होगा मतलब कि इनके इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने थे -3, -4 और शिप का था 3, -1 और जो हमारा कोलिजन हो रहा है दैट इज 12, 11 पर ठीक है यस ओके तो इस टाइप से हमारे पास में इफ यू विल सी वेक्टर्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है वी विल बी यूजिंग वेक्टर्स अ लॉट इन काइनेमैटिक्स ओके एंड कैलकुलस आल्सो कैलकुलस का यूज इट विल कम आफ्टर फ्यू डेज बट वेक्टर इज गोइंग ऑन ठीक है तो लेट्स कम टू आवर लेक्चर 1 का ट्यूटोरियल कहाँ गया काइनेमैटिक्स लेक्चर 1 का ओके जैसे इफ सपोज इफ आई गिव यू 1 एग्जांपल प्लस एग्जांपल 2 इफ यू कैन सी इन योर बुक सपोज आई एम गिविंग यू दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल इज चेंजिंग लाइक दैट सो x इक्वल टू 2t² - t सो फर्स्ट If I give you this equation, can you tell me whether the particle is in motion or at rest? Sorry, yes? X coordinate. Yeah. Yes, X is the coordinate. This is X coordinate. So whether you can tell me the particle is moving or stationary? ओके अब हम डेफिनेशन पे आते हैं मोशन का डेफिनेशन क्या था वेट हाँ
What was the definition of motion? An object which changes its position with respect to surroundings. With respect to time. Yes, you forgot the point, time. So now tell me, if I will change the value of time, my x coordinate is changing at t equal to 0. If I ask you, initial position, kya matlab hota hai initial ka? Initial ka matlab hota hai t equal to 0. So at t equal to 0 pe particle ka position kitna hai? तो अगर मैं सपोज पुट करूं t इक्वल टू जीरो, x का वैल्यू कितना आता है? जीरो. हाँ, जीरो. देखो ना, t इक्वल टू जीरो पुट करो. ओके, माय t इक्वल टू वन तो क्या आता है? वन. इफ माय t इक्वल टू टू तो क्या आएगा? सिक्स. इफ आई t इक्वल टू थ्री, 15. So all these things are telling me that my position is changing with respect to time. So I will say that my particle is in motion, right? So from this thing, I can say the point is in motion. Now I will ask you some questions. Tell me, displacement. Sir, 2 is equal to 6 क्यों आया? 2 equal 2 6 नहीं है. जब हमारे पास में 2 का t का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? सर नहीं समझा कैसे आया? अरे इस इक्वेशन में मैं पुट करूँ ना t का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू क्या आएगा? ओके सर. यार तुम ऐसे मत करो. कैलकुलस में इतना तो मैं बताया था ना, फंक्शंस. यस सर. तो फिर हम यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे टी, और आउटपुट क्या आ रहा है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट. ओके सर. ओके, अब मुझे बताओ, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ. डिस्प्लेसमेंट इन टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड, बताओ क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजिशन माइनस initial position. Initial position. So मतलब कि यहाँ पे मेरा initial point कौन सा है? T equal to zero. Final point कौन सा है? T equal to 6. तो मुझे निकालना है x, उसका initial position कब? When my t equal to zero. तो क्या आ रहा है मेरे पास में value x का? Zero. My x coordinate कब? My t equal to 6. तो क्या आएगा t equal to 6 पे? 6 6 36 72 72 minus 6 कितना होता है? 66. राइट? यस सर. आई विल से क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना है? 66. इनिशियल कितना है? 0. तो 60 मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? आई कैप. क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर. नाउ टेल find displacement in t equal to 2 to t equal to 4 second. बताओ क्या आएगा? t equal to 2 to t equal to 4 second. What will be my displacement? ये कौन सा सम कर रहा हूँ? ये अपने इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट, इसी का क्या सेकंड पार्ट करना है तुमको? इक्वेशन वाला ऊपर वाला दिया, ऊपर वाले में 60 आई कैप
कैसे आया सर यार? ओके 66 आएगा ना 16 है। हां वही 66 आएगा। हां हां 66 यस। अब मुझे बताओ t equal to 2 to t equal to 4 and displacement का मतलब क्या होता है? final position minus initial position। तो final position क्या है? x at t equal to 2 कितना आएगा t equal to 2 पे x की value? 6। x की value का when you have t equal to 4 कितना आ रहा t equal to 4 पे? 28 sir। ठीक है तो अगर मैं पूछूं ना अपना डिस्प्लेसमेंट तो क्या मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो फाइनल है 28, इनिशियल है 6, तो कितना हो जाएगा 22। और मैं साथ में क्या लगा दूंगा? आई कैन। आई कैन ये देखो किसने लिखा सर मुझे क्या हुआ बेटा? सॉरी सर मेरा माइक गलती से ऑन हो गया। ठीक है अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 टू टी इक्वल टू 4 सेकंड बताओ? तो हमारे पास मतलब एवरेज जो अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ t equal to 2 to t equal to 4 में displacement कितना आया मेरा? 22। And t equal to 2 to t equal to 4 कितना time हो गया? 2। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 11 meter per second। चाहिए तो इसके आगे i cap भी लगा दो। ठीक है? So they can ask you so many questions in the same। ओके फाइन। हाँ भाई सबको आया ना समझ में? यस सर। यस सर। कोई कैसे डाउट वाला बंदा हो तो कौन है? मुझे जेई में एयरवन ये कौन है? रितेश के देश में कौन है भाई? हाँ रितेश देशमुख जो मुझे BMW दिलवा रहा है यार मुझे। पढ़ लो बेटा ऐसे फालतू काम करना छोड़ दो। हाँ चलो और बताओ। सपोज एक और क्वेश्चन करते हैं अपने आज का कहते लास्ट क्वेश्चन। सपोज एक पार्टिकल है जो कि आई एम सेइंग पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज गिवन। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्सिस t square minus सर अभी अलग था मैं ना। हाँ ये अपना न्यू क्वेश्चन। तो हमको दिया हुआ है कि पार्टिकल का जो है ना पोजीशन जो है वो ऐसे से ये कर रहा है वेरी कर रहा है। ठीक है हमको निकालना है फाइंड टाइम इंटरवल इन विच एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। चलो करो। तो पहले तो सोचो
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और फिर सर 3 है पता नहीं बेटा मैंने चेक नहीं किया कैसे क्या बताओ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया क्योंकि 0 सेटिस्फाई करता है इक्वेशन 3 सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को और टी 0 आता है ओके एक्स 0 नहीं क्वेश्चन को ध्यान से किया नहीं ना डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा वो तो उस समय इंस्टेंटेनियस है ना वेलोसिटी आता है एवरेज थोड़ी आता है तो पहले मुझे बताओ तो सबसे पहले मैं एवरेज जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं राइट ओके तो मैंने लिखा कि वी जो मैंने एवरेज का सिंबल ये होता है ना इसका मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है अगर मुझे अपना एवरेज वेलोसिटी चाहिए 0 तो मेरे इसका मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 0 तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो 0 इसका मतलब क्या हुआ एक्स इनिशियल इक्वल टू एक्स फाइनल मतलब पार्टिकल का इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन कितना होना चाहिए सेम तो पहले निकालते हैं इन दिस क्वेश्चन पार्टिकल का जो अपना इनिशियल जो है पोजीशन वो क्या है क्या मतलब होता है इनिशियल अपना पोजीशन का ऐसा पोजीशन जो कि टी इक्वल टू 0 पे है तो अगर मैं इस इक्वेशन में टी का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 6 ये है ना भाई 006 तो मतलब कि जो मेरा फाइनल जो है पोजीशन वो भी क्या होना चाहिए 6 ही होना चाहिए ओके तो फाइनल पोजीशन को 6 कर दो तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी 6 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 6 ये हमारे पास में इनिशियल पोजीशन ये हमारे पास में फाइनल पोजीशन तो यहां से क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0 तो टी t minus 1 equal to 0 तो कितना टाइम आ गया t equal to 0 and t equal to 1 तो I will say कि टाइम t equal to 0 to t equal to 1 एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितना बन जाएगा 0 टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा t क्या हाँ डेल्टा t मतलब कि कहां से कहां तक का इसका मतलब क्या हुआ पार्टिकल ने जहां पे स्टार्ट किया था पार्टिकल वापस वहीं पे आ गया कब आ गया वापस वहां पे सर आपको इनिशियल फाइनल 6 कैसे मिला ओके इनिशियल का मतलब क्या होता है बेटा जब तुमने मोशन को स्टार्ट किया है तो जब मोशन को स्टार्ट किया इसका मतलब क्या हुआ टी का वैल्यू कितना है 0 0 कितना टाइम हुआ ठीक है ना तो मैंने क्या किया जो इक्वेशन है ना ये वाली x इक्वल टू ये इसके अंदर टी का वैल्यू अपने 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 तो मतलब पार्टिकल का इनिशियल जो अपना पोजीशन है वो क्या बन गया है 6 बन गया है और अगर मुझे वापस पार्टिकल को उसी अपने पोजीशन पे लेके आना है तो फाइनल जो है पोजीशन वो भी क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए है ना तो फिर उनको इक्वेट कर दिया था हमारे पास आ गया कि पार्टिकल सेम पोजीशन पे 2 बार आया था कब आया एक बार तो t इक्वल टू 0 पे एंड एक बार t इक्वल टू 1 सेकंड पे तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन
t equal to 0 to t equal to 1 is 0. ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे. लेक्चर वन का जो ट्यूटोरियल वन है लेवल वन, उसको कंप्लीट करने का ट्राई करना. बाकी फिर अपने विल डू इन एक बार क्लास फाइनल पोर्शन डाल दो. अरे कोई नहीं, तुमको अपने बता दिया ना, वेक्टर्स ओनली. ठीक है, ओके सर. होमवर्क क्या है फिर से बोल देना. होमवर्क है बेटा अपना लेक्चर वन का ट्यूटोरियल वन. ठीक है, लेवल वन उसका, ओनली लेवल वन. ओके सर. ओके, पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन था, रितेश है ना, देशमुख कौन है. सर वो अपने क्लास में नहीं रहता है. फिर तो यहाँ कैसे आ गया? डोंट नो सर, ही इज नॉट देयर इन मीटिंग. देन हाउ डिड ही गेट द मीटिंग आईडी? प्रैंक किया किसी ने बेटा? मैं जिस दिन आ गया ना प्रैंक करने, उस दिन बहुत खराब होगा फिर, है ना. वो फिर उसके बाद में बंदा कहीं